तो सर जी, जैसे कि मतलब ये बिजनेस के बारे में लोगों की एक सोच होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है, आपकी राय क्या है इसके बारे में? बेसिकली क्या है कि हमारे भारत देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में हजारों लाखों सालों से गोपालन पशुपालन ही होते आ रहा है। सही हमारे सभी संप्रदायों के, पंथों के अगर हम भगवान देखते हैं तो सबका वाहन कोई ना कोई पशु या पक्षी है। सही तो बात हम ऑलरेडी पशु पक्षियों से जुड़े हुए थे, लेकिन सही अभी पिछले कुछ सालों में, 50, 60, 70, 80 सालों में, एक क्यों पता नहीं, लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच क्रिएट किया गया जो हमारे घरों तक आया हुआ है कि भाई जैसे हम लोग बोल दे कि मोटा उनका शान गाड़ा जाएगा, उसका मतलब तो बड़ा हो गया क्या, शेर निकालने वाला है, क्या करने वाला है, तो सही पढ़ा बात ही कर। मतलब इस व्यवसाय के प्रति या गोपालन के प्रति या पशुपालन के प्रति एक निगेटिव थॉट क्रिएट किया क्रिएट हुआ है। हुआ। एक्चुअली वैसा नहीं है। अगर हम, मैं अपने भी गौशाला की बात करूँ तो यहाँ पे भी सुबह 4 घंटे काम होता है, ज्यादा सिर्फ से ज्यादा चार काम घंटे है। ज़्यादा से ज़्यादा, और दोपहर के बाद यानी शाम में 4 घंटे काम होता है। तो गवर्नमेंट भी बोलता है 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो 8 घंटे में तो यहाँ हमारे लोग फ्री बैठे हुए, सुबह के 4 घंटे काम करो फिर आराम है, शाम के चार होंगे घंटे लेकिन वो काम घर ज्यादा में से ही होता ज्यादा है। तो होंगे। और जैसे कि आप, हमारी पहले बातें हो रही थी तो आपने बताया कि इसमें और भी इनकम के सोर्सेस है, जैसे कि आप गोरियों के बारे में बता रहे थे, गोमूत्र हाँ, के, वो एक बार जरा व्यूअर्स को दोहराइए। तो बेसिकली जो आपने गाय के गोबर से जो गोबर के उपले बनते हैं जिसको हम लोग गौरी बोलते हैं, गोरे बोलते तो महाराष्ट्र ये में। यहाँ पे जो गौरी बनती है तो मेरे यहाँ पे तकरीबन रोज के 2,500 से 3,000 गौरियाँ बनती है। अरे बाप। तो हम लोग इस गौरी को 3 रुपये से बेचो, 4 रुपये से बेचो, 5 रुपये से बेचो, और कहाँ बेचनी है तो हम कोई अमेजोन पे नहीं जाते बेचने के लिए। लोग कहते हैं अमेजोन पे बिकता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम हमारे यहाँ के जो आसपास के जो अपनी स्मशान भूमि है उन्हें तो गौरी लगती है, तो उन लोगों को हम बेचते हैं। तो हर आदमी ये बना के, उसके पास अगर एक गाय है, दो गाय है, दो पशु है, जो भी है, उसकी गौरी बना के उसके नज़दीक के गांव के शहर में जो भी स्मशान भूमि है उसको दे सकता है, या जहाँ पे ईंधन करके लकड़ियों का यूज़ होता है, कोई भी और बिजनेस है वहाँ पे आप आपकी गौरियाँ बेच सकते हो, सही बात। तो इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो गौमूत्र है, तो खेत में गौमूत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, अच्छा। तो वो भी हमारे यहाँ पे बहुत सारा गौमूत्र बिकता है। तो अगर एक गाय दो गाय पालने वाला आदमी है तो वो भी अपने दो गाय का सुबह शाम का भी गौमूत्र पकड़ता है और वो खुद के ही खेत में यूज करेगा तो उसका खेत ऑर्गेनिक होने वाला है, ऑर्गेनिक होने वाला, और आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक बहुत की डिमांड है, डिमांड प्रॉफिटेबल भी है, तो वो मतलब एक दो गाय पालने वाला भी प्रॉफिटेबल है कि वो है। गो आधारित खेती कर सकता है जिसमें खुद के देसी गाय के गौमूत्र भी खेत में यूज होगा, सही बात। देसी गाय का गोबर भी खेत में यूज होगा और दूध भी दूध मिलेगा, भी मिलेगा, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है सबसे। मतलब जैसे नमस्कार, सर मैं दोस्तों, बताया लघु उद्योग की तलाश में हम आज ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके एक बुलंद ऊंचाइयों तक अपना जो है साम्राज्य निर्माण किया है। हम आज ऐसे शख्सियत से मिलने वाले हैं जो एक दिन का जो होता है वो 300 लीटर दूध जो है बेचते, हर रोज का जो देसी गाय का, सिर्फ देसी गाय का उनका कलेक्शन जो होता है वो 300 लीटर का होता है। तो इनसे जानेंगे हम कि ये बिजनेस किस तरह से करना है, इसमें क्या होता है, और इनका जो एक्सपीरियंस उसके हिसाब से वो हमें गाइड भी करने वाले हैं। जो नौजवान होंगे जिनको ये बिजनेस करना है, उनका जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का इस फील्ड में, उसका गाइडेंस देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अर्चित सेठिया सर का। नमस्कार सर। हमारे नमस्कार। तो सर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो बिजनेस है गौशाला का, गोपालन का, तो इस बिजनेस में आप कैसे आए, मतलब इसकी स्टोरी क्या है? बेसिकली ऐसा है कि बचपन से गाय और गोपालन, गाय ऐसी एक रुचि रही है मेरी, तो हमारे पास भी एक दो गाय हुआ करते थे घर पे, देसी गाय जिन्हें हमारे अपने यहाँ महाराष्ट्र में खिलार गाय बोलते हैं। तो हमारे घर पे सालों से पूछते नहीं खिलार गाय है अपने पास, तो वो बचपन से रुचि थी और मन में एक ऐसी इच्छा थी कि आगे जाके अपन देसी गाय के विषय में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो एक गाय, दो गाय, तीन गाय, वो तो बढ़ते जाता है, वैसे बढ़ते गया। फिर पिछले कुछ सालों के पहले सालों से देश में अपने यहाँ पे देसी गाय के दूध के प्रति अवेयरनेस हुआ है, राइट राइट। तो वो अवेयरनेस को देखते हुए फिर लोगों का डिमांड आया कि देसी गाय का दूध चाहिए, फिर गिर गाय, गिर भी अपना देसी गाय है, तो ऐसे फिर डिमांड आते गए, फिर हम उस बिजनेस को स्टार्ट करते गए, तो वो अपने आप फिर डेवलप होते होते एक स्टेज पे आ गए अभी हम लोग।
तो जैसे कि सर ने बताया कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जो रिवॉल्यूशन आने के बाद जो है जो A2 मिल्क होता है, गिर गाय का मिल्क होता है, उसमें अवेयरनेस बढ़ा और सर जी ने उसी अवेयरनेस को, उसी ट्रेंड को पकड़ते हुए अपना जो है वो सेटअप गिर गाय में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने और भी देसी गाय रखनी शुरू की। तो सर जी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आपने ये स्टार्ट किया उस समय जब आपने ये जो नई नई गाय गिर गाय हो गई और भी और जातियों की गाय होंगी, प्रजातियों की गाय होंगी, तो शुरुआत में आपको ये बिजनेस स्टार्ट करते हो शुरुआत में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? दिक्कतों का ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि जब हम गाय के विषय में काम करते हैं तो वैसे तो गौ माता बोलते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, तो यहाँ पे तो आप गाय की वैसे भी सेवा करो, गाय के सानिध्य में रहो तो कुछ नुकसान तो होना नहीं आपका। सही बात है। तो उसी में दिक्कत ये थी कि भाई अच्छी नस्ल कहाँ से मिलेगी, अच्छे दूध की गाय कहाँ से मिलेगी। तो फिर कुछ खिलर गाय है हमारे पास जो, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो सालों से है अपने पास, लेकिन उनका दूध उतना हमारे घर में नहीं बचता है तो हम बाहर क्या देंगे। सही बात। और मार्केट में एक ये हुआ था कि गिर गाय का दूध ही देसी A2 मिल्क है या देसी गाय का दूध है, तो गिर गाय लानी थी, फिर उसको सर्चिंग करना है, फिर गिर गाय गुजरात में मिलती है अच्छी वाली। तो गुजरात में जब हम शायद आठ नौ साल हो गए, तो तब जब फर्स्ट टाइम गए थे गाय लेने के लिए, तब वहाँ का माहौल अच्छा था, अलग था, तो मतलब इजीली गाय अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल थी। अभी वो नहीं है अपने यहाँ, ये पूरे देश भर में गाय फैल चुकी है। तो फिर अच्छे सिलेक्शन करके अच्छे लोगों से, फार्मर से कुछ अच्छी गाय लाई गिर ब्रीड की, गिर जाति की, फिर हरियाणा के कुछ क्षेत्र से कुछ सहीवाल लाई, और राजस्थान का जो श्रीगंगानगर बीकानेर ऊपर का क्षेत्र है वहाँ से राठी नस्ल की गाय लाई। राठी क्योंकि दिमाग में एक ये भी था कि एक अपनी जो भारतीय वंश की गाय है तो 6-7 ब्रीड अपने यहाँ होने चाहिए अलग अलग, इसके भारतीय अलग अलग गायों के, और उनका हम ब्रीडिंग भी करेंगे, दूध का भी काम होगा और वो नस्ल सुधार का भी काम होगा। तो जैसे सर जी ने बताया कि जो होता है देसी गाय मतलब गिर गाय नहीं होती, उसमें बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, जैसे सर जी ने बताया 2-3 प्रजातियों के नाम भी बताए सर ने। तो ये जो देसी गाय होती है जब आपने पालन स्टार्ट किया, तो जो इनको मतलब पालने में क्या क्या दिक्कतें आती है, जैसे इसका रूटीन क्या होता है, आप क्या क्या कौन से चीज़ों का ख्याल रखते? मतलब हमारे इंडिया में जो लोग करते हैं वो ट्रेडिशनल वे से होता है, जैसे कि उनका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। तो आपके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरह मैनेज किया गया है ये फार्म, बहुत मतलब हाई टेक्नोलॉजी से आप में मैनेज करते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से करते हो, तो ये कैसे मतलब किस तरह से किया जाता है सारा कुछ? बेसिकली एक शेड्यूल बनाना है हमें कि सुबह से लेकर शाम तक का उसका टाइमिंग फिक्स होगा, कौन से समय में क्या फीड देना है, कौन से समय में क्या खाद्य देना है, जिसको एनिमल फीड पशु खाद्य बोलते हैं, वो कब देना है, वहाँ की अपना जो गोठा है, जो गौशाला है, उसकी स्वच्छता कब होगी, साफ सफाई कब होगी, ये देखना है उसका टाइमिंग। तो एक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से ही काम चलना चाहिए। अच्छा। और जो खुद ओनर है, जो वहाँ के जो खुद लोग है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गाय के प्रति। सिर्फ गाय है या फिर जो काम कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए एक पशु है, ऐसा ना हो भाई ये गाय है, गौ माता है, इसकी सेवा करेंगे तो अपने को भी अच्छा प्रॉफिट होगा, दो पैसे भी मिलेंगे, आशीर्वाद भी मिलेंगे, सेवा भी होगी। तो उस हिसाब से अगर हम एक टाइम टेबल सेट करके करते हैं तो सक्सेस तो होगा ही। बेसिक क्या है, गोपालन रॉयल्टी बेस्ड बिजनेस है। अच्छा। ये ऐसा ट्रेडिंग नहीं है कि आज मैंने दूध बेचा और लाखों कमाए। हाँ। ऐसा नहीं है, वो रॉयल्टी बेस है, ये आपको हर साल बच्चा देने वाली है, इसको हर साल एक फीमेल काफ होगा, मेल काफ होगा, वो हर 3 साल बाद वो बड़ा होने वाला है, तो हर 3 साल बाद आपके पास एक गाय बेचने के लिए रेडी होने वाली है। अच्छा। एक आपने के यहाँ एक पशु तैयार होगा जिसको आप बेच सकते हो। तो रॉयल्टी बेस होने की वजह से इसको पूरा चारों तरफ से स्टडी करके अगर हम करेंगे, क्योंकि देसी गाय का दूध भी बेचना है, दूध बिकता ही है, इसका गोमूत्र भी बिकता है, इसका जो गोखुर खत है खत भी बिकता है, तो ये सारी चीज़ें बिकने वाली है। अच्छा। तो इसको अच्छे से मैनेज करना है, इसके गोबर के जो पोपले बनते हैं, हम मराठी में उसको गौरी बोलते हैं, राइट, गौरिया बोलते हैं, उसको बना के बेच सकते हो, तो ये सब हम बना के बेचते हैं। तो सिर्फ दूध एक माध्यम नहीं है, दूध मतलब इसके बाय प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी सेवा भाव का एक अपना ये होना चाहिए। गोमूत्र बेचना है, उसमें आपको गोबर भी बेचना है, जो आने अगला जो ब्रीडिंग होगा, बच्चे पैदा होंगे और गाय अपने यहाँ बनेगी, अभी गुजरात से तो आप गिर गाय लेके आए, सहीवाल लेके आए, राठी लेके आए, लेकिन यहाँ के जो पैदाइश है
वो इस अपने महाराष्ट्र के क्लाइमेट को सेट है, राइट राइट, और वो जो अपने क्लाइमेट को सेट है वो यहाँ पे अच्छे से रहेगा, अच्छे से दूध देगा। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रख के इसका कैलकुलेशन करके ये काम करना है अपने को। तो जैसे कि सर ने बताया कि सर ने इसको जो है एक बिजनेस की तरह ना लेते हुए एक सेवा भाव की तरह ये काम शुरू किया, और ना कि सिर्फ मतलब इसको एक बिजनेस का सिर्फ दूध बेचना है, उसके साथ साथ गोबर भी हो गया, उसके साथ साथ जो है गोमूत्र भी हो गया, और भी बाय प्रोडक्ट जो है वो सेवा के रूप में हम कर सकते हैं और उसका भी हम जो है बेच सकते हैं। तो सर जी ये हुई कि गोपालन की बातें और उसके साथ साथ प्रोडक्ट निकालने की बातें, लेकिन जब बात आती है दूध बेचने की, मतलब हमारा जो है इतना बड़ा फार्म है तो इतनी बड़े हमें मतलब बहुत सारी 300 लीटर का हमारा रोज का दूध निकलता है, तो ये बेचने का इंतजाम कैसे होता है, मतलब अगर बेचना होता है तो बेसिकली क्या है, आपको अगर एक तो खुद का एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी उस चीज़ की, जैसे कि सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया पे आपका ब्रांड है उसका आपने समझो फेसबुक पे पेज बनाया है, राइट राइट, तो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करके आप लोगों तक पहुँच सकते हो, साथ में आप ये अवेयरनेस कर सकते हो जो हमने किया। हमारे यहाँ पे तो बहुत से देसी गाय का दूध बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं, लेकिन देसी गाय उतनी है ही नहीं, ना गिर है सहीवाल राठी कोई भी नहीं है, उतनी क्वांटिटी नहीं है। लेकिन उतना दूध आज पुणे में मुंबई में बिक रहा है। तो बेसिकली हमने हमारे मार्केटिंग में ये कहा कि भाई हमारी खुद की गौशाला है, आप आके हमारी गौशाला को विजिट कीजिए और अगर आपको लगता है तो हमसे खरीदिए, वरना ना खरीदिए, ट्रांसफर रखिए इसमें पूरा का पूरा, मतलब जो है अपना देख लीजिए, यहाँ आके देखिए, और कहीं पे भी हम बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं, आपको कहीं से भी देसी गाय का दूध लेना है तो आप जाके उसके पास गाय है या नहीं है ये देख लो, पहले वो देख लो और फिर उससे गाय आप दूध खरीद लो। तो सर जी जैसे कि मतलब ये बिजनेस के बारे में लोगों की एक सोच होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो आपका इसके बारे में क्या राय है, आपकी राय क्या है इसके बारे में? बेसिकली क्या है कि हमारे भारत देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में हजारों लाखों सालों से गोपालन पशुपालन ही होते आ रहा है। सही। हमारे सभी संप्रदायों के पंथों के अगर हम भगवान देखते हैं तो सबका वाहन कोई ना कोई पशु या पक्षी है। सही। तो हम ऑलरेडी पशु पक्षी उनसे जुड़े हुए थे। सही। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में 50-60-70-80 सालों में एक क्यों पता नहीं लेकिन एक निगेटिव अप्रोच क्रिएट किया गया जो हमारे घरों तक आया हुआ है कि भाई जैसे हम लोग बोल दे कि मोटा उनका शान गाड़ा जाएगा उसका मतलब तो बड़ा हो गया शेन निकलने वाला है, क्या करने वाला है, तो पढ़ाई कर। मतलब इस व्यवसाय के प्रति या गोपालन के प्रति या पशुपालन के प्रति एक निगेटिव थॉट क्रिएट किया हुआ है। एक्चुअली वैसा नहीं है, अगर हम मैं अपने भी गौशाला की बात करूँ तो यहाँ पे भी सुबह 4 घंटे काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, और दोपहर के बाद यानी शाम में 4 घंटे काम होता है। तो गवर्नमेंट भी बोलता है 8 घंटा ड्यूटी करना है, तो 8 घंटे में तो यहाँ हमारे लोग फ्री बैठे हुए, सुबह के 4 घंटे काम करो फिर आराम है, शाम के 4 घंटे काम करो फिर आराम है। तो ये जो नेगेटिविटी क्रिएट की गई है इस पशुपालन के प्रति या इस बिजनेस के प्रति वो गलत है, उतना काम नहीं है हमारे बिजनेस में पशुपालन में, ये क्रिएट किया हुआ है, क्यों किया किसने किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि उसकी वजह से हमें फिर दूसरे जगह से वर्कर लेबर्स मंगाने पड़ते हैं हमारे यहाँ के लोग, या हमारे यहाँ के जो हमारे किसान भाई है वो भी एक नेगेटिव इसमें है कि भाई बहुत काम है। सही। जनरली देखना है तो गाय को क्या करना है, या भैंस है गाय जो भी है, 2 टाइम उसको चारा डालना है, 2 टाइम पानी पिलाना है, उसी 2 टाइम में उसका दूध निकालना है। सही। तो सुबह के कितना टाइम लगेगा और शाम को कितना टाइम लगेगा, तो ये 8-9 घंटे मैक्स लगते हैं, इसके अलावा इसमें टाइम नहीं लगता है, वो भी सुबह के 4 घंटे शाम के 4 घंटे। वैसे तो एवरेज 6-7 ही होते होंगे, लेकिन वो ज़्यादा ही होता है। तो बाकी बिजनेस के कंपैरिजन में एज अ बिजनेस भी पशुपालन बहुत अच्छा बिजनेस है। और जैसे कि आप हमारी पहले बातें हो रही थी तो आपने बताया कि इसमें और भी इनकम के सोर्सेस है, जैसे कि आप गोरियों के बारे में बता रहे थे, गोमूत्र के, वो एक बार जरा व्यूअर्स को दोहराइए। तो बेसिकली जो आपने गाय के गोबर से जो गोबर के उपले बनते हैं जिसको हम लोग गौरी बोलते हैं महाराज, तो ये यहाँ पे जो गौरी बनती है तो मेरे यहाँ पे तकरीबन रोज के 2.5 से 3 हज़ार गौरियाँ बनती है। अरे बाप। तो हम लोग इस गौरी को 3 रुपये से बेचो, 4 रुपये से बेचो, 5 रुपये से बेचो, और कहाँ बेचनी है तो हम कोई अमेजोन पे नहीं जाते बेचने के लिए, लोग कहते हैं अमेजोन पे बिकता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम हमारे यहाँ के जो आसपास के जो अपने स्मशान भूमि है उन्हें तो गौरी लगती है, तो उन लोगों को हम बेचते हैं।
तो हर आदमी ये बना के उसके पास अगर एक गाय है, दो गाय है, दो पशु है, जो भी है, उसकी गौरी बना के उसके नज़दीक के गांव के शहर में जो भी स्मशान भूमि है उसको दे सकता है, या जहाँ पे ईंधन करके लकड़ियों का यूज़ होता है कोई भी और बिजनेस है, वहाँ पे आप आपकी गौरियाँ बेच सकते हो। सही बात, तो इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो गौमूत्र है, तो खेत में गौमूत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो वो भी हमारे यहाँ पे बहुत सारा गौमूत्र बिकता है। तो अगर एक गाय दो गाय पालने वाला आदमी है तो वो भी अपने दो गाय का सुबह शाम का भी गौमूत्र पकड़ता है और वो खुद के ही खेत में यूज करेगा तो उसका खेत ऑर्गेनिक होने वाला है। ऑर्गेनिक होने वाला, और आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड भी है, तो वो मतलब एक दो गाय पालने वाला भी प्रॉफिटेबल है, वो गो आधारित खेती कर सकता है जिसमें खुद के देसी गाय के गोमूत्र भी खेत में यूज होगा, देसी गाय का गोबर भी खेत में यूज होगा और दूध भी मिलेगा। दूध भी मिलेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस है सबसे। तो सर जी, मैं आपसे जो है एंड में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपका जो डेली का कितना मतलब दूध होता है, सेल कितना हो जाता है आपका डेली का? डेली मेरा देसी गाय का, यानी जो आपने भारतीय वंश की गाय है, उसका 300 लीटर दूध हमारा हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है और वो पूरा का पूरा 300 लीटर बिकता है हमारा। 300 का 300 पूरा बिकता है हमारा। अगर अगर उसमें से कुछ दूध बचता है तो हम उसका दही लगा के जो अपना पारंपरिक पद्धति है घी बनाने का, तो उसका हम घी बनाते हैं। अगर दूध बचता है, कभी संडे के दिन ऑर्डर कम रहते या कुछ फेस्टिवल है तो लोग अपने बाहर गांव चले जाते, घूमने जाते, तब दूध बचता है हमारे यहाँ पे, तब हम उसका घी बनाते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से वो, लेकिन ये सब दूध बचता है ये विषय है ही नहीं। अच्छा, मतलब उसका डिमांड होता ही है, लेकिन कभी कभी ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दूध रखना पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल जो टर्नओवर होता है, मंथली जो टर्नओवर होता है इस गौशाला के बिजनेस से कितना हो जाता है अपने ये इसका? दूध के लीटर में अगर डेली 300 लीटर बोलते हैं हम, तो महीने का होगा 9000 लीटर। 9000 लीटर, 9000 लीटर दूध तो मंथली हमारा बिकता ही है, प्लस बचा हुआ दूध से घी बनता है, इसके अलावा गौमूत्र बिकता है पूरा जितना हम लोग पकड़ सके, पूरा तो नहीं पकड़ सकते, फिर जो गोबर है वो गोखुर खत करके पूरा बिकता है, तो अच्छा खासा टर्नओवर बनता है यहाँ पे। मतलब करीब करीब 5 से 7-8 लाख तक का हो जाता है, बन जाता है आराम से, हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ सर जी जो है अपना सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, क्योंकि ये जो है सर जी इसमें गौशाला या गोपालन में जो है अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवानों को प्रशिक्षण देते, बहुत सारे लोगों को जो है एडवाइस देके, उनके एडवाइस से बहुत सारे लोगों ने जो है अपना गोपालन का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं लास्ट में एंड में आपसे सर जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स है, इसमें से कोई नौजवान हो गया, वो जो कोई पढ़ा लिखा युवक हो गया, वो अगर ये वीडियो देख रहा है या फिर कोई गांव से देख रहा है ये वीडियो, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे आपके इतने बड़े एक्सपीरियंस से? बेसिकली चीज़ ये है कि हमें ये पहले देखना है कि हमारी रुचि किस क्षेत्र में, अगर हमारी रुचि गोपालन में है, खेती में है, तो हम उस क्षेत्र में काम करें, हमारी रुचि जॉब में सर्विस में, हम उसमें काम करें। हमें जहाँ जिस क्षेत्र में रुचि है, अपना इंटरेस्ट है, अपने को जिस क्षेत्र से आनंद मिलने वाला है, उसमें अगर हम काम करते हैं, उसी में करियर करते हैं, जैसा मैंने किया हुआ है, तो उसमें आपको आनंद भी मिलेगा, समाधान भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो जिस क्षेत्र में आपको रुचि है उसमें आप काम कर सकते हो। तो जैसे कि हमने जाना कि सर ने बताया, अर्चित सर ने, कि आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में आप काम कीजिए और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी गौशाला के बिजनेस की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को बिजनेस का नॉलेज और बढ़ता जाए। लास्ट में जो है सर जी का थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ें हमको शेयर की। थैंक यू सो मच।